नमस्कार दोस्तों मैं हरिंदर हैरी विजह से आप सभी का कर स्वागत करता हूं एक और वीडियो में बहुत स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन है हर जगह यही सुनने को मिलता है कि सर रूल्स चेंज हो गए हैं अब क्या होगा आने वाले टाइम में टेस्टेशन लेटर आ चुका है स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं होगा एल वेरीफाई होगा जी डबल होगा मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियर नहीं हैं और ब्रिटिश कोलम्बिया का तो अलग मैटर है तो वो चीज़ तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे बट सबसे पहले हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो रोल चेंज हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन पे जो सबमिट होनी है आईआरसीसी में 22 जनवरी 2024 को एक बहुत इमिडिएटली एक आर्टिकल पब्लिश होता है और साथ में एक स्टेटमेंट भी आती है वहाँ के ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कि जो ये चीज़ें जो जो भी हुई हैं जैसे कि वर्क uh, परमिट स्पॉस ओपन वर्क परमिट को लेकर और अपना ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जिन्होंने सरकारी कॉलेज का गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिया है उन कॉलेजेस का वर्क परमिट बंद होना और बहुत सी चीज़ें जो है वो मतलब एक बार के लिए स्टूडेंट के माइंड में ये हो गया कि कनाडा अब हमारी प्रेफरेंस नहीं रहेगी तो सबसे पहले ये स्टार्ट एल वे की वेरीफिकेशन से हुआ तो सेप्टेम्बर टू के बाद एल वेरीफाई होना शुरू हो गए तो इसमें जो जो भी चीज़ें हुई है उन चीज़ों का हर एक चीज़ों का रीज़न है ऐसे मतलब बिना रीज़न के कुछ भी नहीं हुआ है अगर एलवे वेरिफिकेशन शुरू हुई तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आ, बहुत पहले आ, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डिपोर्ट होना पड़ा आ, जो स्टूडेंट्स थे वो लगभग आठ दस साल पहले कैनाडा में एंटर हुए थे विद फेक एल और उनकी एलवे फेक जब वेरीफाई हुआ कि वो एलवे फेक है तो उनको एट लास्ट डिपोर्ट होना पड़ा और ये टू टू की बात है जब उनको डिपोर्ट होना पड़ा तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एम्बेसी डायरेक्ट एल को वेरीफ़ाई करेगी फ्रॉम डी एल फ्रॉम योर कॉलेज तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अपना इंटरनल पोर्टल सेटअप किया जिसमें कि हमारा कोई काम नहीं था वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसी uh, का मैटर था वो अपने आप ही इस चीज़ को करेंगे तो इसके बाद जी डबल कर दिया मींस टेन थाउजेंड टू हंड्रेड जाता था अब ट्वेंटी थाउज़ेंड सिक्स थर्टी फाइव जाता था मीन्स uh, जाता है तो जी आई सी डबल करने का भी रीज़न है दैट इज़ द लिविंग एक्सपेंसेस तो लिविंग एक्सपेंसेस पिछले जब से जी आई सी है तब से टेन थाउजेंड टू हंड्रेड डॉलरस ही लिविंग एक्सपेंस के नाम पे वो डिपॉज़िट लेते थे बट अब वो जी आई सी टेन थाउजेंड से बढ़कर ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स थर्टी फाइव डॉल्स किया है और वो ऑन गोइंग क्राइसिस जो वहाँ पर स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन uh, लेने में बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही है स्टूडेंट्स को मतलब एक एक रूम में चार पाँच पाँच छः छः स्टूडेंट्स रह रहे हैं और बेसमेंट्स में तो इसलिए इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाए उसको किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े तो इसलिए वो जी डबल किया गया ये नहीं कि देखो करने के लिए वो अपना ट्यूशन फ़ीस भी बढ़ा सकते थे कुछ अलग तरह का डिपॉज़िट ले सकते थे अगर मान लीजिए ट्यूशन फ़ीस ऑल बड़ी है अगर हम कंपेयर करें आज से पाँच साल पहले मीन्स 2019 में जो कॉनेस्टो का कॉलेज था एग्जांपल दे रहा हूँ बाकी कॉलेज की भी फीस बढ़ी है जो कॉनेस्टो का कॉलेज था उसमें फ़ीस 14,900 डॉलर्स थी मुझे ख़ुद को याद है 14,900 डॉलर्स उस वक्त ट्यूशन फ़ीस थी आज वही ट्यूशन फ़ीस 20,000 हो होगी है मीन्स अराउंड फाइव थाउजेंड डॉलर्स यहाँ पर बढ़ा है तो ट्यूशन फीस बढ़ी है बट ये स्लाइटली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ी है फाइव हंड्रेड डॉलर सिक्स हंड्रेड डॉलर्स कभी वन थाउजेंड डॉलर तो ऐसे ऐसे करके बढ़ी है तो हमें इतना ज़्यादा मालूम इस चीज़ का नहीं रहा कि ट्यूशन फीस भी बढ़ी है बट जी आई सी इमीडिएटली टेन थाउजेंड पहले था कि अराउंड सिक्स सेवन लैक्स के करीब खर्चा था अब वही खर्चा अराउंड ट्वेल्व थर्टीन लैक्स फोर्टीन लैक्स जो भी रहता है तो एकदम से डबल हो गया बट एट लास्ट यहाँ पे जो सेफ साइड ये है कि वो अमाउंट हमारा खुद का है टेन थाउजेंड वो भी हमारा खुद का था और ट्वेंटी थाउजेंड वो भी हमारा खुद का रहेगा ऑल दो यहाँ से अरेंज करना पड़ेगा एक बार बट वहाँ पे जो आपको उस चीज़ की आ, आपको रिटर्न होगा जो अमाउंट जी अकाउंट से तो वो कम्पेटिवली आपको एक बार में ज़्यादा मिलेगा सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड समथिंग आपको रिटर्न में मिलता है इन अ वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि पहले सिर्फ टू थाउजेंड डॉलर्स मिलता था आ, तो चलो ये तो हो गया उसके बाद कि अपना जी डबल हो गया और जी डबल होने के बाद उसके बाद ये जो तीन पॉइंट्स आए ये बहुत मेजर पॉइंट्स थे जिसमें कि जो प्राइवेट कॉलेजेस थे जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिया है तो उन कॉलेज का डायरेक्ट वर्क परमिट वन फ्रॉम फर्स्ट ऑफ सितंबर 2024 से चलो ये भी बहुत ज़्यादा हमें टाइम मिल गया यहाँ पे अराउंड सेवन एट मंथ्स का तो इस चीज़ को भी हम इजीली uh, uh, देख सकते हैं कि सितंबर से वर्क परमिट बंद होगा तो उससे पहले के इंडक में जाए या इस कॉलेज में ना जाए चलो इस चीज़ को तो हम साइड कर देते हैं बट जो मेजर थे वो दो पॉइंट्स थे पहला अटेस्टेशन लेटर दूसरा स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेकर क्योंकि इसमें स्पॉज इस ओपन वॉक को लेकर क्लियरेंस नहीं है कि ये कब से एप्लीकेबल होगा इसमें फ़र्दर कुछ भी अभी तक आ, सामने नहीं आया है तो इस चीज़ को हम अभी साइड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अटेस्टेशन लेटर की अटेस्टेशन लेटर के साथ साथ एक कैपिंग भी है तो वो भी मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नाम पे कैप कर दिया है कि इतने ही स्टूडेंट्स हम मैक्सिमम रिक्रूट करेंगे ऑल ओवर कनाडा और अटेस्टेशन लेटर इनको आ, इनका देने का जो पर्पस था वो सिर्फ ये था कि ताकि ये रिकॉर्ड रख पाएँ हर एक हर एक प्रोविंस में कि, कि किस प्रोविंस में कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं और वहाँ पे जो प्रोविंस आपको रिलीज़ करेगी दैट इज़ इक्वल टू सी ए क्यू क्यूबिक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट इन क्यूबिक तो क्यूबिक में क्या होता है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सी ए क्यू लेना मैंडेटरी होता है बिना सी ए क्यू लिए आप क्यूबिक में एडमिशन uh, ले सकते हैं बट आप वीज़ा फाइल नहीं कर सकते एडमिशन आपको मिल जाता है एडमिशन के बाद फ़ीस डिपॉजिट करने के बाद आपको प्रोविंस की एक अप्रूवल लेनी होती है दैट इज़ सी ए क्यू सेम उसी तरह की अप्रूवल आपको अब अपनी प्रोविंस से लेनी पड़ेगी बट ये थर्टी फर्स्ट मार्च 2024 तक सभी प्रोविंस अपना अपना एक सेटअप करेगी जिसमें ये हर एक तरह की जैसे मान लीजिए सी ए का एक पोर्टल होता है अलग पोर्टल उसी तरह का पोर्टल ये बनाएंगे थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2024 तक का टाइम दिया है आई आर सी सी ने हर एक प्रोविंस को इससे क्या होगा कि आई आर सी सी के पास रिकॉर्ड रहेगा किस प्रोविंस में कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं और जो कैपिंग है वो कुछ प्रोविसेज में अप टू फिफ्टी परसेंट भी है जैसे प्रोविंस उनटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया जो कि मेजर प्रोविसेज जहाँ पर जाते थे और देखा जाए तो पिछले तीन चार साल में आ, सबसे पहले क्या हुआ 2019-20 में क्यूबेक बहुत ज़्यादा चला 18-19-20 और अंधा धुंध रिक्रूटमेंट बल्क रिक्रूटमेंट हुई तो उस वजह से क्यूबेक अनफॉर्चुनेटली उसके बाद नहीं चला बट जब चला तो बहुत अच्छा चला बट क्यूबेक ना चलने के बाद इन दो प्रोविसेज़ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रिक्रूट हुए और रीज़न जाने का ये होता किसी वहां है किसी के वहाँ पर रिलेटिव होते हैं किसी के फ्रेंड्स होते हैं किसी का मतलब बहुत से रीज़न हो सकते हैं ऑल दो वहाँ पर कॉलेज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस इन प्रोविंस में जाने की रहती है अभी भी रहती है बट यहाँ पे जो कैपिंग है वो अप टू फिफ्टी परसेंट है बट इसका भी अभी uh, जो एक क्लियर uh, फिगर है वो अभी सामने नहीं आया है कि कितनी कैपिंग होगी किस हिसाब से होगी अटेस्टेशन लेटर कैसे अप्लाई करनी है कितने टाइम में मिलेगी कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है एज़ ऑन टूडे फेब के अभी हम नाइन में बैठे हैं नाइन्थ ऑफ तो फेब 2024 आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करें जिससे कि अटेस्टेशन लेटर हम अप्लाई करें बट अटेस्टेशन लेटर से बचने के लिए हमने क्या करना है अगर तो आपने बैचलर की है आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं फिर तो आपको जरूरत नहीं है ना ही आप कैपिंग में फॉल करते हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी में जा सकते हैं विदाउट अटेस्टेशन लेटर आप फाइल लॉन्च कर सकते हैं तो कैनेडा गवर्नमेंट का मोटिव ये है देखो एक तो वो ये चाहते हैं कि आप मास्टर्स में पढ़ो मास्टर्स में पढ़ने का मतलब है एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और मास्टर्स होगी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में मास्टर्स नहीं होती है कैनाडा में जहाँ तक मुझे इस चीज़ का मैंने रिसर्च किया तो किसी भी कॉलेज में मास्टर्स नहीं है बैचलर्स नो डाउट कुछ ही कॉलेज में हैं बट मास्टर्स नहीं है तो मास्टर्स करने का मतलब ये है कि आप एक क्वालिटी एजुकेशन में जा रहे हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और मास्टर्स करने के बाद आपके पी के पॉइंट्स कम्पेटिवली ज़्यादा होंगे आप वेल well क्वालिफाइड होंगे अगर आप कैनेडियन मास्टर्स करते हैं और वो मास्टर्स ग्लोबली रिकेगनाइज होगी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स इतने ज़्यादा रिकगनाइज नहीं होते हैं अगर हम मास्टर्स से कंपेयर करें और मास्टर्स के बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं करते हैं मास्टर्स के लिए एज़ लॉन्ग एज आपका आयल्स मैच कर रहा है आपका आयल्स एलिजिबल है किसी भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट की एकेडमिक्स में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को कि एकेडमिक्स में चलेगा कुछ भी अगर हो दो चार परसेंट ऊपर नीचे तो वो चल चला सकते हैं ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करें बट अगर आपका आयल्स कम है उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ट्यू या पी बहुत कम एक्सेप्ट करती हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स के लिए आपको आयल्स ही करना पड़ेगा तो चलिए ये चीज़ तो हम साइड में रखते हैं बट जो आ, इस वीडियो का मोटिव है दैट इज़ टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन ऑन वीजा एप्लीकेशन तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि कैनेडा का ये जो रूल चेंज किए हैं इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट स्टूडेंट्स का है अभी हो सकता है कि हमें ये चीज़ थोड़ा सा और लगे कि एकदम से एक्सपेंसेस डबल हो गए हैं और रूल्स बहुत चेंज हो गए हैं अब हो क्या रहा है जो स्टूडेंट जेनवनली पढ़ने जाना चाहता है और यहाँ से वो जा रहा है स्टूडेंट वीज़ा पे और उसको हर चीज़ें ये होती है कि उसका कोर्स जो है वो इन पर्सन होगा वो अपनी कॉलेज लाइफ अपनी कंटिन्यू करेगा तो इस तरह का माइंड वो लेकर चलता है बट जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि मेरा तो कोर्स ऑनलाइन है और सब कुछ ऑनलाइन होगा बट कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं जैसे कि कुछ हॉस्पिटलिटी के कोर्स होते हैं कुछ नर्सिंग के प्रोग्राम होते हैं या कलनरी के प्रोग्राम होते हैं तो ये प्रोग्राम ऑनलाइन वैसे भी नहीं हो सकते हैं तो इसलिए जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन है वो मेनटेन नहीं कर पा रहे हैं स्पेशली वो कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज हैं और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिया है और आप देख ही रहे हैं कि ब्रिटिश कोलम्बिया में किस तरह से किस लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं और इसको लेकर वहाँ की प्रोविंस की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मीन्स uh, uh, बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को लिया है और uh, कॉलेजेस को बहुत स्ट्रिक्टली वो मॉनिटर करेंगे इंस्पेक्शन करेंगे तो ये तो चलो और चीज़ें हैं जो कि हमारे डिस्कशन की नहीं है क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया हम कंसीडर नहीं करेंगे एक बार के लिए हमारे पास और भी प्रोविंसेस हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं बहुत से कॉलेजेस हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ऑप्शनस हैं हमारे पास तो एट लास्ट हम पॉइंट पे आते हैं कि जो ऑन गोइंग एप्लीकेशन है उन पर क्या इम्पेक्ट रहेगा देखो जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ तक मेरी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे लगता है कि जो जेनविन स्टूडेंट है जो सिर्फ पढ़ने जाना चाहता है और पोस्ट स्टडी सेटलमेंट ऑब्वियसली एक्सपेक्ट तो सब करते हैं बट यहाँ से जिसके इंटेंशंस बहुत जेनविन है कि एक बार तो पढ़ने ही जाना पड़ेगा ऐसा नहीं कि यहाँ से गए और वहाँ जाके आप पढ़ाई छोड़ के कुछ और काम कर करें तो वैसा नहीं जो जेनअली पढ़ने जाना चाहता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है एक अच्छे कोर्स को लेकर जाना चाहता है उसके लिए हर चीज़ बिल्कुल ठीक है बस वहाँ के लिविंग एक्सपेंस मीन्स जी डबल हुआ है वो एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है बट कल दिन आपको ही वहाँ पे उस चीज़ की एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको ही वो पैसा वापस मिलना है ऑल दो तो यहाँ से तो एक बार में कलेक्ट करना है पर आपको इजी रहेगा जब अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे आपके पास अच्छी जॉब होगी बिकॉज आपने अच्छी अच्छा कोर्स किया है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है तो आपके पास अच्छी जॉब होगी अच्छी जॉब होगी तो कल दिन आपको इजी रहेगा पीआर लेने में भी ऑब्वियसली तो मैं यही कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट कि सब कुछ जेनविन अगर रहेगा तो आपको अगर कैपिंग भी की है तो कैपिंग उन्होंने थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड किया और थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड इज़ अज नंबर अगर कैपिंग वन लैक ,00 की करते तब कहीं दिक्कत हो सकती थी बट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है आपका एल स्कोर अच्छा है अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड में आप आराम से फॉल कर जाएंगे दैट इज़ फॉर वन ईयर नेक्स्ट ईयर के अभी तक उन्होंने जो नंबर्स है वो नहीं दिए हैं टारगेट नहीं लिया है जब टारगेट लेंगे तो तब उसको हम देखेंगे बट अभी के लिए हमारा एक मानकर चलिए कि थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और उस कैटेगरी में हम आराम से फॉल कर जाएंगे अच्छी प्रोफाइल होने पे तो इन शॉर्ट यही है कि ये एक फेवर में ही है स्टूडेंट के ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के अगेंस्ट है रूल्स बस यही है थोड़ी स्ट्रिकनेस डेफिनेटली है और स्ट्रिकनेस होने की जरूरत भी थी कहीं ना कहीं बिकॉज बहुत ज़्यादा मानकर चलिए इजी हो गई थी रिक्वायरमेंट्स आयल स्कोर भी बहुत बहुत कम लेने लग गए थे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस एंड ऑल तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये डिसीजन लेने बहुत इंपॉर्टेंट थे वहाँ की गवर्नमेंट को तो इसी के साथ में आज की वीडियो को एंड करते हैं मिलते हैं आप सभी को एक और वीडियो में धन्यवाद सभी का